हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे चार्जर में इंसर्ट किया हूँ और यहाँ पे एम्पेयर मीटर कितना कंजप्शन हो रहा है, देखिए राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे 1.7 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और ये यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 लिख के ये रिस्टार्ट हो रहा है, जो कि पहले चार्जिंग लोगो आया था, फिर ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में सैमसंग गैलेक्सी F41 इसमें रिस्टार्ट हो रहा है, ना ही ये सेकेंड बूट पर जा रहा है, डायरेक्ट फर्स्ट बूट पर ही रिस्टार्ट हो रहा है। और ये जो रिस्टार्टिंग इशू आया है, क्यों आया है, इसमें रैम और सीपीयू, मतलब जिसमें इसका मदरबोर्ड में जो सीपीयू और रैम लगा है, इसी सीपीयू और रैम में ड्राई हो जाने के कारण से इसमें रिस्टार्टिंग इशू, स्क्रीन फ्रीज इशू और हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम, जो कि आपको कॉमन प्रॉब्लम है सैमसंग ए सीरीज, एफ सीरीज, एम सीरीज और नोट सीरीज में। सैमसंग का मैक्सिमम मॉडल में यही प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा ये पार्टिकुलर एक मॉडल में नहीं आ रहा है, सब भी मॉडल में, जितना भी सैमसंग का डबल डेकर सीपीयू जो प्रोसेसर वाला मोबाइल बनाया है, सभी मॉडल में इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। किसी में लोगों पे रुक रहा है, किसी में रिस्टार्टिंग हो रहा है। तो इसी तरह आज मेरे पास मोबाइल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी F41 लिख के ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए, फिर से मैं इसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ और ये जब तक ये थोड़ा सा चार्जिंग लेगा, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करते रहेगा, जब तक इसका बैटरी ड्रेन नहीं होगा तब तक ये रिस्टार्ट होते ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए हमको मोबाइल को पूरा खोलना पड़ेगा और इसमें क्या काम करना है आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसका सीपीयू और रैम को निकाल के, रिमूव करके इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे। तो जब ये सक्सेसफुली रिवॉल्व हो जाएगा, इसमें जो प्रॉब्लम है ये सक्सेसफुली रिपेयर भी हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि रिस्टार्टिंग इशू आया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, यही मोबाइल को रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दे दिया हूँ और आपके स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा नंबर है। ये नंबर पे मेरे को डायरेक्टली कॉल करके और व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करके डायरेक्टली रिपेयर के लिए कुरियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड की कंडीशन, इसका बैक साइड से देख सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा डाउट है पहले कहीं खुला है या फिर नहीं, थोड़ा सा पूरा ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारा इस टाइप का प्रॉब्लम है और बहुत जगह पे ये रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो बाहर में जो काम हो रहा है, देखिए मैं इसी, ये जो प्रॉब्लम है ये किसी दुकानदारों को या फिर किसी भी टेक्नीशियन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो टेक्नीशियन इसमें काम कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं और जो टेक्नीशियन इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, बोर्ड को पूरा ख़राब ही कर दे रहे हैं। तो इसीलिए जो टेक्नीशियन काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ पे कितना टेम्परेचर रखना है, किस टाइप का रिपेयर करना है और किस टाइप एक ही बार इसको रिवॉल्व करने से एक बार में सक्सेस होना चाहिए। मतलब आप जब सीपीयू डबल डकर पे सीपीयू पे काम करते हैं, आपको सक्सेस रिपोर्ट बहुत ही कम मिलता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक मिनट, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसमें देखिए जो चिप लगा है एक्जिनोस का सीपीयू लगा है और इसमें इसका ऊपर में इसका रैम लगा है। तो ये रैम और सीपीयू को जब सेपरेट करते हैं उसी टाइम में ही प्रॉब्लम निकल जाता है, क्योंकि इसको सेपरेट करने के लिए सही हाथ का एक बैलेंस होना चाहिए और हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, तब ये इसका काम पूरा प्रॉपरली कर पाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में ये वीडियो में बताऊँगा। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे भी खुला नहीं है। पहले ये जो ढक्कन में थोड़ा सा ग्लू लगा था, मेरे को डाउट हो रहा था, यहाँ पे देखिए ये जो ग्लू लगा था इसी के चलते मैं कहीं खुला है मैं सोच रहा था, लेकिन बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे भी खुला नहीं है।
और दोनों साइड देख सकते हैं कहीं पे लिक्विड डैमेज का कोई साइन नहीं है, जो कि ये कैमरा में आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सिस्टम को थोड़ा सा मैं भी अपग्रेड किया हूँ। जो पहले वाला कैमरा था और अभी का कैमरा देख सकते हैं कितना फर्क है। देखिए जितना भी पास लाऊं ये फोकस हो रहा है, हालांकि ये बीजीए कैमरा है लेकिन अच्छा कैमरा है, देख सकते हैं दूर लेने से भी फोकस हो रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, और पास लाने से भी फोकस अच्छे से हो रहा है, जो कि पहला कैमरा में ये फोकस नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिस्टम को भी अपग्रेड किया हूँ, और ये वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि लाइव नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं लाइव करने की कोशिश करता हूँ, लाइट का इशू हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा लाइव करने में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इसको लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये वीडियो में कहीं पे भी कट छट नहीं करूँगा, जो भी वीडियो में बताऊँगा पूरे डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आप कोई भी डबल डेकर सीपीयू रैम पे या फिर कोई भी डबल डेकर मदरबोर्ड पे बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, सबसे पहले ये मोबाइल में प्रॉब्लम था, ये लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा था, यानी कि सैमसंग F41 लिख के ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा था, ना ही चार्जिंग लोगो आ रहा था, ना ही इसमें और कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, ओनली ये लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा था। तो इसका मदरबोर्ड मैं ओपन कर चुका हूँ और बोर्ड की कंडीशन भी बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए सीधा माइक्रोस्कोप में देखिए, माइक्रोस्कोप में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका ऊपर में एक टैप लगा है जो कि हीट सिंक पैड कहते हैं इसको, हीट सिंक पैड लगा है, इसको सबसे पहले रिमूव करना है हमको। तो इसको रिमूव करने के लिए टेम्परेचर मैं कितना रखूँगा, 250, और एयर को चाहे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि माइक्रोस्कोप का फोकस करना ज़रूरी है, बार बार फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले एक ब्लेड से इसको निकाल देते हैं, 1 मिनट। देखिए इस तरह का एक पत्ता मैं बनाया हूँ जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, और देखिए बहुत सारा टूल मिल रहा है लेकिन देसी जुगाड़ से भी काम चलाना पड़ता है। देखिए इस तरह आपको इसका हीट सिंक पैड को निकाल के साइड रखना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे थर्मल पैड लगा है। देखिए ये थर्मल पैड को भी निकाल के हमको साइड करना है, क्योंकि यही थर्मल पैड बाद में लगा सकते हैं। देखिए इसको फेंकना नहीं है, साइड में लगा के मतलब चिपका के रखना है, बाद में इसको यूज में लाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये कैन लगा है, कैन को रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको सीपीयू और रैम के ऊपर काम करना है और किसी भी सेक्शन में कुछ भी काम नहीं करना है। देखिए कोई भी डबल डेकर पे काम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि कोई भी दूसरा ऐसी कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है ये सीपीयू और रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दूसरा सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड भी बिल्कुल फ्रेश है और ना ही ये कहीं पे काम हुआ है, या फिर हमको लग रहा है कि ये 100% इसमें सीपीयू से ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा मैं वीडियो भी बना चुका हूँ और ये 100% सीपीयू से ही प्रॉब्लम है। तो हमको दूसरा कोई सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सीपीयू के ऊपर में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कैन को रिमूव करेंगे, कैन को रिमूव करने के लिए मैं 360 टेम्परेचर रखा हूँ, और जो SMD मशीन यूज कर रहा हूँ क्विक 857DW+, और एयर को मैं 3.5-4 के आसपास रखा हूँ, थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैन लगा है थोड़ा सा ओवर हीटिंग से ही निकलता है, इतना भी ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं करना है, और हमेशा नोजल को ऐसे घुमाते रहना है। देखिए एक जगह पे कभी भी फोकस नहीं करना है, नोजल को धीरे धीरे करके ऐसे चारों तरफ दिखाना है।
एक मिनट, थोड़ा सा पीसीबी होल्डर से निकल गया था। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में डबल डेकर के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको रिपेयर करने में बहुत इजी लगेगा और कोई भी डबल डेकर पे आप इजीली काम कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और लास्ट में एक ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में भी नहीं बताते। उसी ट्रिक को मैं आज आपके सामने रखूंगा। एक्चुअल में ये जो काम मैं बता रहा हूँ, इसको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में काम करेंगे या फिर सीखेंगे तो कितना रेट है, कितना प्राइस है आपको पता ही होगा। आपको तो डायरेक्ट मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यही काम सब आज की डेट में पैसा है, यही काम करने से ही पैसा मिलता है। बाकी दूसरा कोई हार्डवेयर में जितना भी आईसी को निकाल के जितना भी जो भी कर लो, जितना भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को ढूंढने से भी उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना सीपीयू रिवॉल्विंग में पैसा है आज की डेट में। क्योंकि आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा तो आप रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए, बोर्ड गर्म है अभी, थोड़ा सा इसका साइड ग्लू कट करेंगे। साइड ग्लू कट करने के लिए हमको यहाँ पे टेम्परेचर रखना है 250 और एयर को 3 पे रख सकते हैं या फिर 4 पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर होने से भी अच्छा है, लेकिन हीट को ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अभी साइड कैन को निकाल दिया हूँ अच्छे से, देख सकते हैं कहीं पे भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। और उसके बाद मैं साइड ग्लू कट कर रहा हूँ, जो कि सीपीयू का चारों साइड में, देख सकते हैं ये व्हाइट पेस्टेड से कवर्ड है। देखिए सीपीयू का चारों साइड में सील्ड कर दिया है कंपनी ने, और इसी के चलते ही ये सैमसंग का जितना भी सेट है सभी में इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ग्लू है इसको धीरे धीरे करके कट करना है। और इसके लिए मैं ब्लेड जो यूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, ये 2UUL का है, कितना नंबर का है मैं बता दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वीडियो का एंड में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ टूल ऐसा एडवांस नहीं है, जो भी है रेगुलर यूज जो होता है वही चीज़ है। देखिए इस तरह आपको धीरे धीरे करके इसका साइड ग्लू को अच्छे से रिमूव करना है। और देखिए जब भी ग्लू रिमूव कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है या फिर प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा फोर्सफुली इसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसका ग्लू कट हो जाएगा, कहीं पे स्क्रैच भी नहीं लगेगा, दिखाऊंगा मैं आपको। और एक चीज, अब सैमसंग एम सीरीज में काम कर रहे हैं तो देखिए आपको एक बता रहा हूँ, ये जो है लाइट ड्राइवर या फिर ग्राफिक्स ड्राइवर ऐसे है, तो इसको भी सील्ड कर दिया है कंपनी ने, देख सकते हैं। जब हम इसको ये सीपीयू के ऊपर हीट करते हैं या फिर एयर फ्लो करते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, तब सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद क्या होता है कि स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और मोबाइल तो कम्प्लीटली वाइब्रेट होता है लेकिन ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये आईसी को रिमूव करके फिर से रिवॉल्व करके डालने से मोबाइल डिस्प्ले भी आ जाता है और कम्प्लीटली मोबाइल ऑन भी हो जाता है। तो इसको भी हम इसका साइड ग्लू को कट कर लेंगे, क्योंकि एक ही बार में डायरेक्टली सीपीयू को रिवॉल्व भी कर देंगे और ये आईसी को भी रिवॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये 100% प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारा मोबाइल में काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। और बहुत लोग मेरे को कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप रिसेंट का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा रिसेंट का इतना काम है, तो पुराना वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखा हूँ और उसके बाद रिसेंट का भी रेगुलर काम चल रहा है, रेगुलर वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए रिसेंट का वीडियो में थोड़ा सा अपलोड डिले में करता हूँ ताकि मेरे को अच्छे से फीडबैक भी मिल सके। देखिए ये जिन भाई का मैं मोबाइल बना रहा हूँ, ये मोबाइल रिपेयर कर दूँगा अभी, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा डिले करूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये मोबाइल फलाना तारीख को हुआ था रिपेयर, और उसके बाद जब वीडियो अपलोड होगा या फिर जब वीडियो पब्लिश करूँगा तब 1-2 महीना हो चुका होगा, कैसा चल रहा है कैसा नहीं फीडबैक तो दे सकेंगे।
और मेरे को भी पता चलेगा कि ना ये मोबाइल बनाने के बाद अच्छा चल रहा है। देखिए तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, देखिए मैं आपको एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले इसका कैन को रिमूव किए, उसके बाद साइड ग्लू कट किए, उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कैप्स दो ठो लगा है इसको साइड रखना है। और इसको साइड करने के लिए मैं 360 यूज करूँगा, टेम्परेचर को और एयर को वही 4 पे रहने दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा फोर्सफुली इसको खोलना पड़ता है, थोड़ा सा ओवर हीट नहीं करने से ये निकलता नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं हीट कर रहा हूँ। देखिए निकल गया, यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इसको, ये कैप्स को भी निकाल देता हूँ। देखिए तो इसी तरह सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा स्क्रैपर डालने के लिए या फिर इसमें जो सीपीयू को रैम को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे एक ब्लेड डालेंगे जो कि स्क्रैपर कहते हैं, ये स्क्रैपर डालने के लिए हमको थोड़ा सा जगह मिल गया ये कैप्स को रिमूव करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स डायरेक्टली अभी रैम को रिमूव करते हैं। रैम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं SMD मशीन जो यूज़ कर रहा हूँ क्विक 2008 है, और इसमें टेम्परेचर रखा हूँ 350 और एयर को 80 पर रखा हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डबल डेकर में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जो कि ये पेड कंटेंट एक्चुअल में बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फ्री कर रहा हूँ, और आगे भी और अच्छे अच्छे पेड कंटेंट आने की कोशिश मतलब लाने की कोशिश करूँगा। देखिए सीपीयू को अभी इस तरह चारों साइड्स हीट करते जाना है, मतलब रैम के ऊपर में। देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम। देखिए ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे रैम रिमूव हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए देखिए एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ, इस तरह अगर आपका रैम रिमूव हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि प्रॉपरली सीपीयू के ऊपर हीट गया है, मतलब इसमें ओवर हीटिंग हुआ नहीं, बिल्कुल 100% प्रॉपरली इसका रैम को और सीपीयू के ऊपर हीट लगा है। यानी कि मैं जो 350 टेम्परेचर रखा हूँ क्विक 2008 मशीन में, प्रॉपर हीटिंग के चलते ये रैम इस तरह निकला है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्टली इसका रैम को रिमूव किया हूँ, और हमेशा इसी तरह मैं करता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर जो है सेट है और एयर भी सेट है, बस बटन को क्लिक करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें जो कंपनी, देखिए इसमें जो कंपनी टिन दिया था, टिन जो इसका जो सिलेंडर पे टिन लगा है, इसको हमको हटाना है। देखिए किस तरह हटाएंगे, आयरन से हटाएंगे। सबसे पहले रैम रिमूव करने के बाद इसको सबसे पहले क्लीन कर लेना है, क्योंकि बाद में हमको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं आगे में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं शोल्डर वायर से इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए इस तरह आपको क्लीन कर लेना है, जो कि रैम का सिलेंडर पे जो भी टिन लगा है। ठीक है, देखिए आपको बाद में और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा रैम सिलेंडर क्लीन करने में। देखिए एक बार इस तरह आप कर लेंगे तो ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर भी क्लीन कर चुका हूँ, रैम को उठा लिया हूँ, रैम को भी रिमूव कर चुका हूँ, और अभी बारी है सीपीयू को रिमूव करने की। ठीक है, तो सीपीयू को रिमूव करने के लिए भी वही टेम्परेचर में रखा हूँ, 350 टेम्परेचर रखा हूँ और एयर को 80 रखा हूँ। क्विक 800 सॉरी क्विक का 2008 SMD यूज कर रहा हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसको भी चारों तरफ ऐसे नोजल को चारों तरफ राउंड राउंड करते जाना है। देखिए जब आपको लगे कि इसमें मेल्टिंग हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होता है, अब एक जगह पे फोकस करके नोजल को रखते हैं,
और बाद में सीपीयू ही फूल जाता है, सीपीयू ही डेड हो जाता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, इसका जो सीपीयू लगा है यहाँ पे लगा है, ठीक है, जो एसओसी है, और इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब इसका जो वायरिंग है इस तरह हुआ है चारों साइड में, ठीक है। तो कनेक्शन जो है ये बाहर में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सीपीयू मेन सीपीयू है, जो छोटा सा ग्लास आईसी है, यहाँ पे ही है, छोटा सा ग्लास आईसी है। तो इसका मतलब ये बेस है, बेस बनाया है इतना बड़ा, अगर इतना छोटा कर लेता तो कोई कभी भी रिवॉल्व नहीं हो पाता। हमको ये डॉक्टर वाला माइक्रोस्कोप लगता, ठीक है, हमारा माइक्रोस्कोप में कभी भी काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए कंपनी ने थोड़ा सा बड़ा किया है, ताकि वो लोग भी जब फिटिंग कर रहे हैं या फिर जो असेंबल कर रहे हैं उनको भी आसानी हो सके। तो इस तरह चारों साइड में नोजल को दिखाते जाना है। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रैपर डाल रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को अभी देखिए यहाँ पे कोई भी मेल्ट नहीं हुआ है, अभी देखिए मेल्ट हो गया, अभी यहाँ पे डाल सकते हैं बिल्कुल इजीली, ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती घुसाएंगे तो सीपीयू भी डैमेज होगा, उसके बाद पैड भी बहुत सारा निकल जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारा पैड निकल चुका है, देखिए क्यों निकला है, क्यों रिमूव हुआ है, इसका जो पैड है देख सकते हैं, ये बहुत सारा एनसी पैड है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखेंगे इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने से पहले हमको क्या करना है, चारों तरफ फ्लक्स डालना है, देखिए। और अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से शोल्डर वायर से थोड़ा सा इसको दिखा लेंगे, मतलब जो पुराना टीन लगा है इसमें थोड़ा सा हमारा नया शोल्डर वायर से इसको दिखा देंगे आयरन से, इस तरह देखिए, पुराना शोल्डर जो लगा है, पुराना टिन जो है, ये काफ़ी सारा निकल जाएगा, और उसके बाद नया शोल्डर जो है यहाँ पे लग जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको जस्ट बताने के लिए ही मेरा जो सेटअप बनाया हूँ, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारा टूल आने वाला है, बहुत सारा बोलने से मैक्सिमम टूल मैं ला चुका हूँ, और आप लोगों की वजह से आपको दिखाने के लिए। और मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक थर्मल कैमरा और दूसरा है एक DSO यानी कि ऑसिलोस्कोप। ये दो हो जाने से मेरे पास पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, बस यही दो चीज़ बाकी है, बाकी सारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब 98% मेरा पास टूल है, जो कि टेक्नीशियन के पास, जो प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी टूल्स अवेलेबल चाहिए मेरे पास है, देख सकते हैं। और हैंड स्किल देख सकते हैं किस तरह मेरा हैंड स्किल है, उतना ज़्यादा तो खास नहीं है, लेकिन मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पास काफ़ी सारा डबल डेकर का काम आ रहा है, आप जानते ही होंगे, वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काम के लिए। तो देखिए यहाँ पे पैड में मैं शोल्डर लगा दिया हूँ, चारों तरफ डिसोल्ड कर दिया हूँ, मतलब इसका जो पुराना टीन के ऊपर एक बार शोल्डर वायर से कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें रोजिन यूज करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत नॉलेज मिलेगा आपको अगर डबल डेकर काम कर रहे हैं तो। अगर कोई भी डबल डेकर पे फंस रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा, और देखेंगे तो आपको एक बार में देखेंगे पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बता रहा हूँ शायद ये इंस्टीट्यूट में भी इस टाइप का नहीं बताए होंगे, मैं इतना दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक बार वीडियो को, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कमेंट कर सकते हैं, एक भी पार्ट मिसिंग नहीं करूँगा, और एक भी जो टेस्टिंग का है कुछ भी मिस नहीं करूँगा, जो कि एक इंस्टीट्यूट में जैसे बताया जाता है उसी तरह मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरा शौक है, मैं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं चलाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। देखिए इस तरह आपको थोड़ा सा रोजिन फ्लक्स डाल के इस तरह आपको क्लीन करना है, किसको, सीपीयू में जो पैड बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ,
और थोड़ा सा फ्लक्स इसमें यूज करेंगे। देखिए मैक्सिमम पैड क्लीन हो चुका है, फिर भी पूरा प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं इसको, ज़्यादा घिसना नहीं है, देख सकते हैं रगड़ना नहीं है, नहीं तो पैड का इसका जीआर निकल जाएगा जो यूवी से कवर है, ठीक है, यूवी ग्लू निकल जाएगा तो फिर हमको यूवी से फिर से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है, बिल्कुल आराम से प्रॉपरली एक बार में ही क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने से पहले हमको थोड़ा सा और चेक करना है, यहाँ पे जो ग्लू लगा है इसको थोड़ा सा इस तरह हटा देना है, क्योंकि काफ़ी सारा कंपोनेंट लगा है, अगर मान लीजिए ग्लू से चिपका हुआ होगा तो वो भी निकल जाएगा, अगर ब्रश मार देंगे तो इसमें ब्रश लगा देंगे तो सबसे पहले एक बार ट्यूजर से आपको वेरीफाई करना है साइड में जितना भी कंपोनेंट्स लगा है ये उखड़ा तो नहीं है, देखिए, उसके बाद ही हम ब्रश को यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ब्रश से मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे थिनर यूज करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को 9 बजे स्टार्ट किया हूँ, और कितना टाइम लगता है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं शॉप से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि YouTube में पब्लिश लेट में करूँगा लेकिन लाइव ही रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना टाइम लगता है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही किसी पार्ट को कट करने की कोशिश करूँगा, जो भी दिखाऊँगा लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो पैड बना हुआ था बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। अभी एक 22 नंबर का ब्लेड लेंगे, देखिए ये 22 नंबर का ब्लेड है और ये काफ़ी दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ इसको, देखिए इस तरह साइड से हमको थोड़ा सा हल्का हल्का करके घिसना है, क्योंकि इस तरह घिसेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको ग्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट जब खाली आँख में नंगा आँख में देखेंगे ये ग्लू नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमको पता नहीं चलता ठीक से विदाउट माइक्रोस्कोप पे। तो देखिए इस तरह आपको थोड़ा सा ब्लेड से आपको घिसना है, या फिर आप फिर से डिसोल्ड वायर से यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिसोल्डरिंग वायर यूज करने से, मतलब डिसोल्ड विक यूज करने से इसका जीआर निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि एक ही बार में जितना जा रहा है ठीक है, उसके बाद यही ब्लेड से ही क्लीन करने की कोशिश करें, आपका पैड भी डैमेज नहीं होगा, आपका पैड के ऊपर जितना भी ग्लू जो भी डस्ट वगैरह है सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा, देखिए साइड से भी ग्लू अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है इसमें, जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है कोई भी काम कर रहे हैं तो, ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ इजीली काम करना है, हल्के हाथों से काम करना है, कभी भी प्रेशर डाल के या फिर हड़बड़ी से काम करेंगे तो गड़बड़ी तो होगा ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैड को क्लीन कर रहा था थोड़ा सा यहाँ पे पानी पीने के लिए चला गया था, देखिए जितना भी पैड के ऊपर ग्लू था जो भी गंदगी था सब अच्छे से क्लीन हो चुका है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम ब्रश से और एक बार इसको क्लीन करेंगे, ठीक है, देखिए मेन बात यह है कि डबल डेकर में कभी भी काम कर रहे हैं तो टेम्परेचर को अच्छे से मेजर करना है, क्योंकि देखिए आपका टेम्परेचर जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से आपका बोर्ड से जो भी सीपीयू लगा है रैम लगा है ये अच्छे से निकल पाएगा और ये प्रिंट को डैमेज ज़्यादा नहीं करेगा, देख सकते हैं इसी तरह, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन से लेके थोड़ा सा थिनर में इसको क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत और भी बचा होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल 100% प्रॉपरली ये क्लीन हो चुका है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, और कहीं पे भी पैड डैमेज नहीं हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि डैमेज हुआ है जैसा, चेक कर लेते हैं मीटर से,
यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि एक राउंड टाइप का बना हुआ है। एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं, प्रॉपर पता चल जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन में मीटर को ले आया हूँ, और डायोड मोड में सेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं ओके, ये एक पॉइंट डैमेज हुआ है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा, एक मिनट मैं एक ब्लेड निकाल लेता हूँ सबसे पहले। प्रिंट बना हुआ है देखिए, इसको थोड़ा सा जस्ट हल्के हाथों से स्क्रैच करना है। जब इसका कॉपर दिखाई देगा वहीं पे छोड़ देना है, देखिए इसी तरह। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, देखिए ये जो कंपोनेंट्स लगा है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो कंपोनेंट्स लगा है, कंपोनेंट के बीच बीच में थोड़ा सा ग्लू लगा है, ठीक है, इसको भी क्लीन कर देना है, हटा देना है, ताकि सीपीयू लगाते समय ये यहाँ से उड़ के सीपीयू के अंदर ना जा सके। हमेशा ये चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए इस तरह आपको ये जो ग्लू लगा है इसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू को लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, बैठाएंगे, तो यही सीपीयू मान लीजिए हल्के हाथों से चिपका होगा, यहाँ पे हल्के से चिपका होगा, तो फिर से उड़ के अगर अंदर चला जाता है तो हमको दिखेगा नहीं ठीक से। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो वही ग्लू के चलते सीपीयू प्रॉपरली बैठ नहीं पाएगा, और फिर से आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। डेड कंडीशन में, डेड कंडीशन से आएगा नहीं, ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको अच्छे से चारों साइड में भी ध्यान देना है, और बोर्ड के ऊपर भी ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि हम जो सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए एक बार में, ठीक है, एक बार में सक्सेस होना चाहिए। बार बार इसको रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब यही है। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में बना रहा हूँ, जो कि आपको आगे में पता चलेगा एक बार कर रहा हूँ या फिर मतलब दो बार तीसरा बार कर रहा हूँ। मेरा बोलने का लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब मैं हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं हम, पेड़ को थोड़ा सा, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, पेड़ को कहाँ गया, चलिए एक मिनट। देखिए ये जो मतलब जब रिवॉल्व करते हैं, इसमें बहुत सारा बॉल, छोटा मोटा बॉल बन के मतलब चिपक जाता है, तो वही बॉल को हमको लेना है। और देखिए मैं किस तरह इसको, वो पेड़ को रिकवर कर रहा हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे एक पेड़ निकल गया था, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, शायद आपको माइक्रोस्कोप में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से और थोड़ा सा फोकस करके, ठीक है। देखिए यहाँ से पेड़ निकल गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट एक पुराना वाला, देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए मैं और थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो हम स्क्रैच किए थे ये अच्छे से चिपक गया, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्लीन करने की ज़रूरत है,
देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली इसमें क्लीन हो चुका है, जो कि सीपीयू जहां पे बैठना चाहिए जहां पे बैठता है ये प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। ये फाइनल क्लीनिंग है और उसके बाद हम इसमें क्लीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें क्लीन हो चुका है और थोड़ा सा भी डस्ट नहीं है, ना ही इसमें ग्लू बचा है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसको प्रॉपरली क्लीन कर चुका हूँ। देखिए, तो इसको साइड में रखते हैं, इसको और छूने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी निकालेंगे, ये जो एलसीडी ड्राइवर आईसी है, मतलब एलईडी ड्राइवर आईसी, ग्राफिक्स आईसी बोल सकते हैं ये जो है, इसको निकालेंगे, लेकिन पहले सीपीयू को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद ही देखेंगे। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, इसके ऊपर में बहुत सारा वाइट पेस्ट लगा है और इसी के चलते ही ये मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता ही होगा, मैं आप बहुत सारा वीडियो में बोल चुका हूँ। तो इसको हमको हटाना है, किस तरह हटाना है, देखिए यहाँ पे कोई भी आयरन का यूज करने से भी होगा जिसका हैंड स्किल अच्छा है, लेकिन सॉरी, इसमें कोई भी एसएमडी का यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी बहुत सारा एसएमडी से ही खोल के किया हूँ, सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होता, लेकिन उससे अच्छा आयरन से क्लीन करेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। देखिए किस तरह मैं क्लीन कर रहा हूँ, फ्लक्स को थोड़ा सा यहाँ पे डाला और चारों साइड से आयरन से थोड़ा सा दिखा दिया, घुमा दिया। उसके बाद देखिए इस तरह एक कॉर्नर से आपको थोड़ा थोड़ा करके आईसी को घिसना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ना ही ज़्यादा रगड़ना है, ठीक है। इस तरह आपको हल्के हाथों से ग्लू को साइड करना है, जस्ट देख सकते हैं जो सीपीयू के ऊपर ग्लू लगा है इसको थोड़ा सा हमको साइड करना है और कुछ भी नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। आयरन को इस नाइफ आयरन से ही क्लीन करना है, देखिए। और आयरन का टेम्परेचर जो है इस टाइम में रखा हूँ 335, और आयरन जो यूज कर रहा हूँ T210, देख सकते हैं ये नाइफ कट वाला ब्लेड है। तो इसी तरह आपको जस्ट साइड करते ही जाना है, ना ही रगड़ना इसमें, देखिए बिल्कुल प्रॉपरली इसका ग्लू जो है धीरे धीरे करके पूरा क्लीन हो चुका है, ठीक है। जितना भी ग्लू वाइट पेस्ट लगा था, ईपॉक्सी लगा था, सब कुछ क्लीन हो चुका है, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं पे भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ और ना ही वीडियो को कहीं पे कट कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको अच्छे से भी दिखा सकूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक से पकड़ नहीं रहा है तो चलेगा। चलिए देखिए क्लीन हो गया, देखिए बिल्कुल 100% इसमें, और थोड़ा सा भी ग्लू नहीं है, मतलब वाइट पेस्ट जो लगा था पहले कंपनी से लग के आया था, इसको पूरा निकाल दिए हैं। अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, एक डी सोल्डिंग विक से इसको थोड़ा सा चारों साइड में दिखाना है, जस्ट हल्के हाथों से, ठीक है। इस तरह आपको दिखाना है, रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है, कुछ भी फोर्स नहीं करना है। चलिए ये हो गया, देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा थिनर से क्लीन कर लेता हूँ। देखिए सीपीयू के ऊपर में कितना बॉल बना हुआ है, कितना पैड बना हुआ है, लेकिन देखिए बहुत सारा इसमें काला दिखाई दे रहा है, या फिर डीऑक्सीडाइज टाइप का कलर हो गया है, जो कि आपको देखेंगे अच्छे से तो थोड़ा सा और काला दिखाई देगा, या फिर ग्राफाइट कलर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत बॉल जो इसमें पैड बना हुआ है ये बिल्कुल सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब वाइट टाइप का दिखाई दे रहा है। जितना भी वाइट दिखाई दे रहा है ये बोर्ड से कनेक्टेड था, ठीक है। और जितना वाइट नहीं दिखाई दे रहा है, जितना काला टाइप का दिखाई दे रहा है, जितना ग्राफाइट कलर का दिखाई दे रहा है, जो पैड डी ऑक्सीडाइज हुआ है, ये बोर्ड से और ये सीपीयू के अंदर एक रेजिस्टेंस बनाता है, जो कि कार्बन होने के बाद ठीक से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो पाता, उसी के चलते मोबाइल रिस्टार्ट कर लेता है, ठीक है। देखिए मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए
जितना भी पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन में देख सकते हैं व्हाइट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके मतलब हम लोग कह सकते हैं 70% इसमें ब्लैक हो गया है और 30% इसमें व्हाइट दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखेंगे तो हम सीपीयू का 70% इसमें कार्बन हो गया है या फिर डीऑक्सीडाइज हो गया है, और 30% जो है बोर्ड से कनेक्टेड था, ठीक है। इसी के चलते ही ये मोबाइल में रिस्टार्टिंग इशू, हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम, स्टॉक ऑन चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम, लोगो पे रिस्टार्ट होना, इस टाइप का इशू सबसे ज़्यादा देखने के लिए सैमसंग में ही मिलता है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करेंगे देखिए, क्लीन करने से पहले एक बार मैं टूल्स को दिखा देता हूँ कौन सा टूल्स में इसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो वायर वाला ब्रश है, वायर वाला ब्रश से ही क्लीन करूँगा, और इसमें थोड़ा सा थिनर डाल दिया हूँ। देखिए यहाँ पे थिनर डाल दिया हूँ, ये ब्रश को थोड़ा सा थिनर में भिगाना है इस तरह, और इस तरह आपको रगड़ना है। देखिए ज़बरदस्ती नहीं घिसना है, हल्के हाथों से। जितना आप हल्के हाथों से काम करेंगे उतना आपका काम फिनिशिंग होगा, आपका काम सक्सेसफुली रेशियो उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। देखिए पहले कैसा दिखाई दे रहा था, अभी कैसा दिखाई दे रहा है देख सकते हैं। और इस तरह कौन कौन भाई मेरा कम मतलब क्लीन करते हैं सीपीयू को, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहाँ पे डबल डेकर में रुक जाते हैं या फिर फंस जाते हैं ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक में वीडियो लाने की और आपको दिखाने की, ठीक है। पहले ये जो F41 मेरे पास आया था ये लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा था, अभी इसका सीपीयू को रिमूव कर चुका हूँ और प्रॉपरली इसका सीपीयू की पैड को क्लीन कर चुका हूँ। अभी सिलेंडर को क्लीन करेंगे, किस तरह क्लीन करना है देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें थिनर लगा दिया हूँ, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जस्ट नॉर्मल मतलब थिनर है जो कि मार्केट में मिलता है, वही थिनर है, कोई भी हैवी थिनर इसमें यूज नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सीपीयू के ऊपर में सिलेंडर जिस साइड बना हुआ है थोड़ा सा थिनर देके थोड़ा सा 10 या 15 सेकंड वेट करना है, और उसके बाद ऐसे ब्लेड से इसके ऊपर में थोड़ा सा घिसना है, जो कि इसके ऊपर में जो वाइट पेस्ट से एक लेयर बना था ये अच्छे से निकल सके, ठीक है। देखिए बिल्कुल प्रॉपरली चारों साइड से इसका ग्लू निकल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से वही थिनर से हमको एक इस टाइप का ब्रश लेना है जो कि मार्केट में 10 या 15 रुपया मिलता है, जो कि हार्डवेयर शॉप में अच्छे से मिल जाएगा। ये पेंटिंग ब्रश है, देखिए ये इसका ओरिजिनल ब्रश है, और ये ब्रश को मैं कट किया हूँ जो कि इस टाइप का बनाया हूँ। देखिए दो टाइप का मैं ब्रश रखा हूँ यहाँ पे, एक ये ब्रश है जो कि काफ़ी दिनों से यूज में आ रहा है और अच्छे से क्लीन हो रहा है, मैं दिखाऊँगा आपको। देखिए यहाँ पे सीपीयू के ऊपर में जो सिलेंडर बना हुआ था उस साइड में जो जितना भी ग्लू लगा था सबको क्लीन कर चुका हूँ, और अभी ये सिलेंडर को क्लीन करेंगे। इस तरह आपको हाथ में लेना है, देखिए इसको ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ना नहीं है, और एक ही उंगली में इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का दबाए रखना है, और इसी तरह आपको एक ब्रश से थोड़ा सा रगड़ना है। देखिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि सीपीयू बहुत हल्के मटेरियल से बना रहता है, सिलिकॉन से बनता है, इसका बेस जस्ट बड़ा है, एक बार भी थोड़ा सा साइड से क्रैक हुआ तो ये सीपीयू डेड, मतलब आपका मोबाइल जो चल रहा था वो डेड हो जाएगा परमानेंटली, कभी भी रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा हमको खाली सपोर्ट देना है रगड़ते वक्त, मतलब ब्रश से क्लीन करते वक्त, ठीक है। तो इसी तरह आपको सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा ब्रश को लगाना है, यूज करना है, देखिए इस तरह थोड़ा सा क्लीन कर देंगे तो जितना भी सिलेंडर के अंदर ग्लू वगैरह छूटा होगा वो अच्छे से प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ओनली इसमें
नॉर्मल थिनर से इसको क्लीन कर रहा हूँ, कोई भी इसमें क्लीनर यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्ट नॉर्मल थिनर है, ठीक है। और ये दो टाइप का ब्रश से मैं क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको 1 से 2 मिनट या फिर 2 से 4 मिनट घिसने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा सिलेंडर के अंदर कितना ग्लू बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल यूज अभी तक नहीं किया हूँ, आपको जो भी दिखा रहा हूँ लाइव रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए आपको मैं फर्स्ट टाइम क्लीन करने के बाद कितना क्लीन हुआ है देख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा घिसने की ज़रूरत है, रगड़ने की ज़रूरत है, यानी कि क्लीन करते हैं और थोड़ा सा हम देखिए सिलेंडर को क्लीन करने में ही हमारा जो टाइम वेस्ट होता है बस उतना ही है। उसके बाद और टाइम वेस्ट कोई भी कंपोनेंट पे, कोई भी पार्ट पे नहीं होगा, क्योंकि इसको अच्छे से अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो सीपीयू रिवॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से क्लीन करना है सिलेंडर को, एक एक सिलेंडर को, एक एक कप को अच्छे से ध्यान देना है। उसमें ग्लू नहीं छूटना चाहिए। इसका जो सिलेंडर के अंदर बॉल बनता है वो बॉल्स छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक लेवल पे होना चाहिए। वो सब चीज़ ध्यान देते हुए काम करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा, जो कि आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। किसी भी डबल डेकर पे काम करेंगे तो किस तरह आपको सक्सेस रिपोर्ट 100% मिलना चाहिए। आप जब आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन भी कर सकेंगे, बिल्कुल प्रॉपरली काम भी कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सिलेंडर अच्छे से क्लीन हो चुका है और काफ़ी सारा सिलेंडर के अंदर ग्लू भी बचा हुआ है, लगा हुआ है, छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्लक्स यूज करूँगा और देखिए किस तरह इसको क्लीन करना है। थोड़ा सा फ्लक्स यूज करके इसमें आयरन से हमको क्लीन करना है। आयरन का भी जो बीट यूज कर रहा हूँ पॉइंटेड है, देख सकते हैं। तो इसको इस तरह ये सिलेंडर के अंदर फ्लक्स को डालना है, ठीक है। और इसके अंदर जो टिन, मतलब सिलेंडर के अंदर जो भी टिन है इसको क्लीन करेंगे। किस तरह क्लीन करेंगे देखिए, मैं एक एक सिलेंडर को आयरन से क्लीन कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है देखिए आयरन की टेम्परेचर थोड़ा सा मैं अभी बढ़ाया हूँ, क्योंकि 280-300 पे था। तो देखिए इस तरह आपको क्लीन करना है, जो सिलेंडर के अंदर टिन बचा हुआ है उसी को क्लीन करने के लिए मैं आयरन से ही क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप क्लीन करेंगे तो जितना भी पुराना टिन है अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और बाद में जब इसके अंदर नया पीपीडी डालेंगे बिल्कुल प्रॉपरली बॉल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैंस इसमें पूरा डिटेल में बताया हूँ, जो कि आपको फ्री में मिल रहा है और जो कि ये पेड कंटेंट है। आगे भी इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास काम आ रहा है जस्ट सीपीयू रिबॉल का ही सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर से काम आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से भी आ रहा है काम, नेपाल से अभी तक आ चुका है। और मैं उनका भी वीडियो पब्लिश करूँगा। तो काम कहीं से भी आए इससे मतलब नहीं है, लेकिन काम सक्सेस होना ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ 100% सक्सेस करने की, अगर इनकेस नहीं हो पाता है तो फिर रिटर्न करने की कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि जो भी होगा, जो भी नहीं होगा, रिटर्न कर देने से हमारा भी टेंशन नहीं रहेगा। और काफ़ी दिनों से मैं काम अभी बंद था मेरा, क्योंकि मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए मैं काम को क्लोज कर दिया था, मतलब
ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था और मैक्सिमम टाइम मेडिकल में ही मेरा टाइम चला गया। देखिए अभी ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, जो कि सिलेंडर के अंदर जो ग्लू लगा सॉरी टिन लगा था, अच्छे से इसको क्लीन कर चुका हूँ और अच्छे से साफ करेंगे अभी और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको थिनर से हम क्लीन करते हैं और अभी देखेंगे सिलेंडर की अंदर कोई ग्लू वगैरह छूटा है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद ही इसको रिवॉल्व करेंगे, यानी कि सिलेंडर के अंदर पीपीडी डालेंगे और उसके बाद इसको बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सिलेंडर जब तक क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तब तक हम इसको बॉल नहीं बना सकते। अगर ज़बरदस्ती बॉल बनाएंगे फिर दोबारा से हमको सीपीयू पे काम करना पड़ेगा, रैम को पे काम करना पड़ेगा और हमारा काम लंबा होते जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये एक ही शॉट में कैसे आप डबल डेकर हो कोई भी मॉडल का एक ही शॉट में कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसी ट्रिक्स को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन में ये वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं डबल डेकर पे ये भी चीज़ आपको बताएं, मतलब मैं कोशिश करूँगा वही चीज़ को वीडियो में लाने की और आपको दिखाने की समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरह सीपीयू के सिलेंडर को क्लीन करते जाना है, जब तक हमको पूरा प्रॉपर क्लीन नहीं होगा तब तक हमको क्लीन करते ही रहना है, ज़्यादा फोर्सफुली इसको क्लीन नहीं करना है क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है, बहुत हल्का चीज़ है, ठीक है। इसको बिल्कुल जितना हो सके हल्के से ही काम करना चाहिए सीपीयू और रैम के ऊपर, ऐसे तो मदरबोर्ड पे कभी भी काम करते हैं इसको फोर्सफुली किसी को ऊपर भी फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, जितना आराम से काम करेंगे उतना सक्सेस रेशियो आपका बढ़ेगा, हैंड स्किल भी उतना अच्छा ही होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारा इसमें इनर है अभी गीला है, ठीक है। देखिए एक एक बॉल की डिटेल्स बता रहा हूँ, देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मैं क्लीनर से यूज करता हूँ जो कि सीपीयू की ग्लू क्लीन करने के लिए रखा हूँ, बिल्कुल सेम देख सकते हैं ये नॉर्मल थिनर से और जस्ट ब्रश से है, इसमें कोई भी ग्लू क्लीनर यूज नहीं किया हूँ जो कि आपको बता दिया हूँ पहले से। और थोड़ा बहुत जो भी ग्लू बचा हुआ है देखिए इसको और एक बार क्लीन फाइनल क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फाइनल इसको क्लीन कर लेते हैं और अभी इसको रिवॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें जो सिलेंडर कप बना हुआ है इसके अंदर पीपीडी डालेंगे, वो भी एक ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह आपको एक ही बार में सारे सिलेंडर को भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ये फाइनल क्लीन है, उसके बाद और क्लीन इसको करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं प्रॉपर क्लीन हुआ या फिर और थोड़ा बहुत लगा है छूटा है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट था, ठीक है क्लीन हो चुका, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा है लेकिन चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 99 बॉल्स यानी कि सिलेंडर में देख सकते हैं बिल्कुल सिलेंडर खाली हो चुका है और प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, ये जीआर साइड का ग्राउंड साइड का देख सकते हैं यहाँ का भी प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे सूखा करेंगे क्योंकि इसका अंदर थिनर अंदर है, तो थोड़ा सा इसको क्लीन मतलब ड्राई कर लेते हैं थोड़ा सा एयर से। चलिए अभी देखिए इसमें मेन चीज़ यही है कि सिलेंडर को कैसे फिल करना है, सिलेंडर की जो गड्ढा बना हुआ है जो कप बना हुआ है इसको कैसे फिल करना है। देखिए इसको फिल करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, देखिए इस तरह आपको एक
ये ब्लेड बोल सकते हैं, या फिर हम जो सीपीयू रिवॉल्विंग के टाइम पे यूज होता है वही चीज़ है, एक स्क्रैपर टाइप का है। इसी से मैं थोड़ा सा पीपीडी लगा के लाया हूँ, मतलब थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा गीला है, ज़्यादा ड्राई नहीं है, देख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सूखा नहीं है, तो हल्का गीला हल्का सूखा, मतलब मीडियम क्वालिटी में बोल सकते हैं, ज़्यादा सूखा नहीं है या फिर ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, इसी कंडीशन में रखना है आपको। ज़्यादा सूखा रखेंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये साइड में थोड़ा थोड़ा डालने से भी चलेगा, लेकिन अभी मेरे पास बचा हुआ है, ये ब्लेड में लगा हुआ है, तो इसको फुलफिल कर लेते हैं ग्राउंड साइड में भी। ऐसे तो ग्राउंड साइड में थोड़ा सा छूट जाने से भी चलता है, लेकिन है तो डाल देना चाहिए, ठीक है। और दोबारा मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँगा और पीपीडी ला के यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्राउंड साइड में जितना भी थोड़ा बहुत छूट जाने से भी चलता है, लेकिन मेन जो हमारा साइड है ये छोटा सी, देख सकते हैं, ये छोटा सी साइड जो है, इसको ऐसे पकड़ने से आप देख सकते हैं, देखिए ये छोटा सी है और ये उल्टा सी बड़ा सी है, ये पूरा जो बड़ा सी दिखाई दे रहा है ये पूरा ग्राउंड है, और ये जो है ये कम्युनिकेशन लाइन है, वोल्टेज लाइन है, सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ से एक भी पैड सीपीयू के साथ अगर डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर छूट जाता है या फिर प्रॉपरली सीपीयू लगाने के टाइम में रैम नहीं लग पाता, तो उसी कंडीशन में डेड कंडीशन में जा सकता है या फिर रिस्टार्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो जब मोबाइल के ऊपर सीपीयू लगेगा तब पता चलेगा कंडीशन क्या है, क्योंकि हमको इसको ही अच्छे से क्लीन करना है, इसको अच्छे से बनाना है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सिलेंडर को एक बार में अगर बन जाता है तो आपका काम 100% सक्सेस हो गया, सोच लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि रैम की सिलेंडर यानी कि सीपीयू की सिलेंडर अगर प्रॉपरली बन गया एक ही बार में, तो आप समझ लीजिए कि आपका 99% काम सक्सेस हो गया। यही मेन चीज़ है, ये सिलेंडर को ही क्लीन करना, सिलेंडर को बनाना, यही डबल डकर में मेन चीज़ है, यही चीज़ है। इसी चीज़ को सीखने के लिए आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, और उसी में आपको ये सारे चीज़ बताया जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में जो बता रहा हूँ ये मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, उसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चलाता अभी तक, ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूट भी करेंगे, चलिए वो तो बात की बात है, पहले ये टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए अभी सिलेंडर के ऊपर देख सकते हैं, ये जो बड़ा सी बना है, छोटा सी बना है, सिलेंडर के ऊपर देख सकते हैं, कप के ऊपर देख सकते हैं, माल पूरा फिल हो गया है, यानी कि पीपीडी बिल्कुल अच्छे से फिल हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेंडर को बनाने के लिए, यानी कि सिलेंडर को इसमें जो बॉल्स बॉल बनाएंगे, बॉल्स बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारा बॉल बना हुआ है, तो बॉल्स भी बोल सकते हैं, तो इसको ये बॉल को बनाने के लिए हम टेम्परेचर रखेंगे, और SMD मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्विक 857DW+ है, और इसमें टेम्परेचर जो रखा हूँ 300 पे, और एयर को कितना रखेंगे, 0 और 1 के बीच में, मतलब ई सॉरी हाँ 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जो पीपीडी है ये उड़ के दूसरा गड्ढा में जा सकता है, दूसरा सिलेंडर में जा सकता है, और हल्के हाथों से धीरे धीरे करके देखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से प्रॉपरली ये CPU, देखिए थोड़ा सा हाथ हटाया तो इधर उड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, बिल्कुल हल्के हाथों से, एक हाथों से CPU को दबा के रखना है, दूसरे हाथ से आपको SMD जो है इसके ऊपर में हल्का हल्का दिखाना है, देखिए बिल्कुल प्रॉपरली इसका सिलेंडर यानी कि जो बॉल बनना चाहिए बिल्कुल प्रॉपरली बन चुका है, देखिए, और कौन कौन सा बॉल छूटा है इसको भी देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट लग रहा है,
देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स डाल देंगे इस तरह, और फिर से प्री हीट थोड़ा सा कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसका बॉल के अंदर जो पेस्ट यानी कि ठीक से चिपका नहीं होगा, तो पेस्ट डालने के बाद बिल्कुल प्रॉपरली बैठ जाएगा अपने जगह पे, ठीक है। तो इस तरह एक बार कर देने से फाइनल ये है, और दोबारा कोई रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा इसमें माल मतलब पीपीडी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये प्रॉपरली सीपीयू के सिलेंडर फिल हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह इसका सिलेंडर फिल हुआ है, यानी कि सिलेंडर के अंदर जो बॉल्स बना हुआ था किस तरह हुआ है, आपको साइज भी दिखाऊंगा और किस तरह बना हुआ है इसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा, एक साइज में बना है या फिर नहीं इसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद उसका क्वालिटी चेक करेंगे, मतलब छोटा बड़ा हुआ है या फिर एक साइज हुआ है नहीं हुआ है, सबको देखेंगे दिखाने की कोशिश करूंगा ये वीडियो पे। देखिए इतना डिटेल्स में वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, जो कि पेड कंटेंट को फ्री में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से देख पाएं वीडियो को। देखिए ठीक है, आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूं, मेरे लिए छोटा सा मेहनत कर दीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, बस उतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। यहां पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए चारों साइड में बिल्कुल प्रॉपरली बॉल बन चुका है, और एक बॉल को देखिए यहाँ पे यहाँ से चढ़ के यहाँ पे आ गया है, तो इसको कैसे क्लीन करना है, मतलब इसको दोनों को एक जैसा कैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लेड से कट करूँगा, ठीक है। देखिए अभी ब्लेड से कट कर दिया, और इसी सिलेंडर के अंदर डाल दूँगा, और आपको दोबारा से सिलेंडर को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पीपीडी है यहाँ पे चला गया था, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो बाद में वही चीज़ प्रॉब्लम करता है, और बाद में फिर से दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ता है, वही चीज़ है, बस हो गया। देखिए बिल्कुल प्रॉपरली, कहीं आपको लग रहा है कि छोटा है बड़ा है मेरे को बताएं, मैं आपको थोड़ा सा तिरछा करके भी दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको पता चलेगा कि साइज मतलब जो बॉल बना है किस तरह साइज बना हुआ है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सिलेंडर की साइज देखिए, और जो बॉल्स बना हुआ है बिल्कुल परफेक्टली एक साइज में बना हुआ है, जो कि चारों साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए दिख रहा है ना, ओके। कोई भी सिलेंडर पे बॉल ऊपर साइड में या फिर छोटा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, बिल्कुल फोकस करके इजीली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अब ये वीडियो को देखेंगे कंटिन्यू, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके पास भी कोई भी डबल डेकर कभी भी रिटर्न नहीं जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ काम करना है और बिल्कुल आराम से काम करना है, चाहे आप नया नया काम कर रहे हैं चाहे पुराना काम कर रहे हैं, मतलब नहीं है, जो तो नया नया काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास करके है, और जो पुराना टेक्नीशियन है जो प्रॉपरली पहले से कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, यहाँ तक क्लियर हो चुके हो, मेरे को लग रहा है कि क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन कर देंगे एक बार, इसको फाइनल क्लीन करेंगे और इसको डायरेक्टली रिवॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फाइनल क्लीन कर लेते हैं, ब्रश से मैं क्लीन करता हूँ दोनों साइड को, क्योंकि हाथ में जो गंदगी है वो भी चिपक सकता है सीपीयू के ऊपर में दोनों साइड में,
तो इसको फाइनल क्लीन कर लेते हैं और इसको रिवॉल्व करेंगे। अभी देखिए, तो रिवॉल्व करने से पहले हम लोग जो टीसी पेपर यूज करते हैं, देखिए टीसी पेपर को दो फोल्ड में करना है, रखना है, और इसको ज़्यादा फोल्ड करके मोटा नहीं करना है, बिल्कुल दो फोल्ड करना है। मैं तो ज़्यादा नहीं करता, कभी भी दो ही फोल्ड में ही काम करता हूँ। उसके बाद हम सीपीयू को रिवॉल्व करने से पहले एक बार इसका जो स्टेंसिल है इसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बार। देखिए, ये चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी सीपीयू को रिवॉल्व कर रहे हैं तो वही स्टेंसिल से हम बार बार रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो स्टेंसिल जब भी रिवॉल्व करते हैं वो तो हमेशा वही एक ही स्टेंसिल से करना पड़ता है। तो स्टेंसिल को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार स्टेंसिल क्लीन होने से आपको प्रॉपरली बॉल का फिनिशिंग, बॉल का साइज, बॉल का लेवल एक साइज का बनेगा और बार बार आपको रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं स्टेंसिल को क्लीन कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इसको बॉल्स के साथ मिला के इसको ऐसे रखना है। देखिए, ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में एक वजनदार चीज़ रख लेता हूँ ताकि स्टेंसिल इधर उधर ना हो पाए। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, इसमें पीपीडी डालेंगे। पीपीडी डालने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पहले से ऑलरेडी गीला करके, मतलब सूखा करके रखा हूँ जो गीला पीपीडी था। ज़्यादा गीला भी नहीं करेंगे कि ज़्यादा सूखा भी नहीं करेंगे, मीडियम में रखेंगे, जो कि आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जो सिलेंडर को फिल करने के टाइम में। ठीक है, ज़्यादा सूखा देने से क्या प्रॉब्लम होता है मैं अब आगे में बताऊंगा आपको। ज़्यादा सूखा रखने से यहाँ पे जो बॉल रहता है ना वो छूट जाता है, मैं काफ़ी सारा सीपीयू में नोटिस किया हूँ। तो थोड़ा सा गीला करेंगे, गीला रखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली सीपीयू के ऊपर बैठ जाएगा, आपको दोबारा और रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप देख लीजिए, आपके हिसाब से कैसा हो रहा है उसी के हिसाब से कीजिए। वही चीज़ तो मेन चीज़ है जो आपका हैंड स्किल है। देखिए, मैं एक बार में सीपीयू रिवॉल्व करता हूँ, अब वही चीज़ को तीन बार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा भी एक बार में ही हो जाता है, दोबारा भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि मैं 100% इसमें श्योर हूँ कि ये 100% कर दूंगा बोल के, ऐसा कोई नहीं बोलता और नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व सीपीयू रिवॉल्व के लिए वही 280 में टेम्परेचर रखा हूँ और एसएमडी जो है क्विक 857DW+ एआर को जो रखा हूँ 0 और 1 के बीच में। देखिए अभी मीडियम सूखा रखा हूँ, मतलब ज़्यादा गीला नहीं है या फिर ज़्यादा सूखा नहीं है, फिर भी बॉल को देख सकते हैं ठीक से बैठ नहीं रहा है। अगर पूरा सूखा कर देंगे तो और भी बैठेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा गीला करके छोड़ता हूँ, गीला करके सीपीयू के ऊपर रिवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा गीला करके रिवॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली सीपीयू रिवॉल्व होगा। देखिए, और एक चीज़ इसको अच्छे से ध्यान देना है, कोई भी बॉल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी बॉल ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक बॉल को देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, ये शायद लग रहा है कि ये ऊपर में डस्ट है, हाँ सही में ये डस्ट ही है। देखिए, देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा फोकस करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, दिख रहा है ना, हो गया, ओके। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये तो ऊपर से क्लीन हो गया, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको क्लीन करना ना पड़ना चाहिए, मतलब क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी, और दोबारा रिवॉल्व करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, ये एक बार में सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, डन, देख सकते हैं प्रॉपरली सीपीयू रिवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा बड़ा हुआ है, क्योंकि मैं
जिसमें पीपीडी डाल रहा था उसको अच्छे से पीपीडी देख के ही डाल रहा था, मतलब कहीं पे भी जोर जबरदस्ती भर भर के नहीं डाल रहा था, जितना मांग रहा था उतनी उतना ही डाल रहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं, चलिए इसको एक बार क्लीन करते हैं थिनर से। देखिए इस तरह आपको एक बार क्लीन कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारा छोटा मोटा बॉल चिपक जाता है, तो बाद में वही बॉल फिर एक दो बॉल में जुड़ जाएगा तो फिर शॉर्ट भी हो सकता है, तो एक बार इसको क्लीन करना चाहिए। हमेशा मैं वही चीज़ करता हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, इस तरह आपको एक बार क्लीन करके ही सीपीयू को इंस्टॉल करना चाहिए। चलिए इसको तो क्लीन कर लिए हैं, एक बार बॉल्स कैसा बना हुआ है इसको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल 100% हम कह सकते हैं ये प्रॉपरली बॉल बन चुका है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मदरबोर्ड को यहाँ पे सेट करेंगे जो कि पीसीबी होल्डर है, और एक मिनट, ओके ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स डालेंगे सीपीयू के ऊपर में। देखिए इस तरह देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ये जो सीपीयू के ऊपर में फ्लक्स डाले हैं चारों साइड में फैला देंगे। देखिए, और उसी के लिए मैं आयरन यहाँ ये अपने जो एसएमडी मशीन यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं क्विक 857 DW+ है, और हीट को यहाँ पे वही 280 पे रखा हूँ। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ नोटिस करवा रहा हूँ, देखिए अब गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए एक बॉल्स मेरे को बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये बॉल्स आपको ऐसे दिखाने से दिखेगा, देखिए तो क्या उसके बाजू वाला छोटा है या फिर बड़ा है। देखिए मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं कट कर लूँगा यहाँ से, रिक्स नहीं लेंगे, बैठाने से पहले कुछ भी कर सकते हैं, अभी मैं चाहूँ तो इसको दोबारा रिवॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार बैठा देने से अगर इस टाइप का कुछ भी इशू लगता है तो फिर दोबारा सब कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तो इसीलिए बैठाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान से देखना पड़ता है और ध्यान देना भी पड़ता है। अगर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान हटेगा तो फिर दोबारा से काम करने के लिए रेडी हो जाइए, या फिर डेड हो जाने से भी वो भी कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि बार बार इसको हीटिंग करने से डेड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए बॉल की साइज एक बराबर बन गया है, और चारों ओर देख सकते हैं सीपीयू का, मतलब बिल्कुल मेरे को लग रहा है प्रॉपरली बॉल्स बन चुका है। कोई तो ऐसे दिखाता नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में ये सारा चीज़ नहीं बताते। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं ये वीडियो देखिए कम्प्लीटली, और कोई भी डबल डेकर हो 100% रिकवर कीजिए, मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इसका बॉल्स को एक बराबर कर लिया हूँ, देख सकते हैं जितना भी बॉल बना हुआ था, अभी इसको सेट करेंगे जिस तरह लगा था पहले से, क्योंकि सैमसंग का सीपीयू है, नीचे साइड छोटा सी रहेगा, देखिए ये साइड में, और इसका जो नॉच कट है देख सकते हैं ये साइड में है, इसका मतलब नीचे साइड छोटा सी रहेगा और बड़ा सी हमेशा ऊपर की तरफ रहता है सैमसंग का, एम सीरीज का काफ़ी सारा मॉडल में। तो इस तरह पहले सेट कर लेना है जहाँ पे सीपीयू लगेगा, मतलब अच्छे से मेजरमेंट करके रखना है। देखिए तो यहाँ पे फोकस कीजिए, इसको अच्छे से ध्यान दे के ही बैठाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेम्परेचर डालेंगे कितना, 240, ये सॉरी 340 टेम्परेचर रखेंगे, और एयर को वही 80 पे रखेंगे। पहले कितना निकालने के टाइम में 350 रखे थे और एयर को 80 पे रखे थे, लेकिन लगाने के टाइम में 340 भी रख सकते हैं, 330 भी रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, मैं 340 से हमेशा करता हूँ, सेफ टेम्परेचर है, कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस तरह आपको चारों साइड एक बार राउंड राउंड करके ब्लोअर को चलाना है। ठीक है, और यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो एरो मार्क टाइप का दिखाई दे रहा है जो कि सीपीयू का साइन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे बैठना चाहिए,
यहाँ पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा। देखिए फ्लक्स पहले से ही यूज कर दिया हूँ, जो कि सीपीयू को फाइनल फिनिश कर रहा था उसी टाइम पे, यानी कि जो बॉल्स बना हुआ है इसको फाइनल फिनिशिंग देने के टाइम में ही फ्लक्स यूज कर लिया था। और देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली उसका जगह पे बैठ गया है सीपीयू। और ये जो एसएमडी मशीन है, हमेशा ऐसे चारों साइड दिखाते ही रहना है, एक जगह पे फोकस नहीं करना है, एक जगह पे पॉइंट करके रखना नहीं है, ठीक है, चारों साइड में ऐसे ही दिखाते जाना है। और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं शेक करूँगा, देखिए इस तरह शेक करूँगा, ठीक है, हो गया हमारा सीपीयू डन। अभी सीपीयू जिंदा है या फिर मर गया इसको भी तो देखना है, कैसे देखेंगे बताऊंगा इस, ये भी कैसे चेक करना है सीपीयू जिंदा है या फिर मर गया, ठीक है। यानी कि हम लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन ये सीपीयू जिंदा है, मतलब मेरे बोलने का मतलब सीपीयू ठीक है या फिर डैमेज हो गया, इसको तो चेक करना पड़ेगा ना, बिना चेक किए हम डायरेक्ट रैम लगा नहीं सकते इसके ऊपर, क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा काम करना पड़ेगा, सीपीयू प्रॉपर नहीं होगा तो 100% दोबारा काम करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर की हेल्प लेंगे, एम्पियर मीटर जो कि चार्जिंग लगाते समय कितना एम्पियर कंजप्शन होता है, वही चीज़ को ये एम्पियर मीटर से ही कन्फर्म कर पाएंगे कि इसमें सीपीयू बचा है या फिर नहीं, ठीक है। इसको देखेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा, पहले इसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है। ये जो पीएफ लगा है, मतलब कैपेसिटर लगा है, थोड़ा सा इसको सेव कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करके डाल देता हूँ, देखिए क्योंकि इसके ऊपर में काफ़ी सारा ग्लू है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। ग्लू देखिए, ग्लू कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए और कहीं पे भी अंदर नहीं घुसना चाहिए सीपीयू के अंदर। मैं चारों साइड से पहले से क्लीन कर चुका हूँ, ये साइड में हल्का फुल्का है लेकिन चलेगा, वो सब मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अच्छे से चारों साइड से हो या फिर कहीं पे भी ग्लू नहीं छूटना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब यही है। और बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं और यहाँ पे एम्पियर कितना कंजप्शन हो रहा है वो चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमको 100% सीपीयू को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रैम को लगाएंगे, रैम चल रहा है, सीपीयू चल रहा है, सीपीयू चलेगा तब रैम चलेगा, सीपीयू पहले से डेड हो गया होगा तो रैम को लगा के क्या फ़ायदा, आप खुद ही बताइए। तो इसको बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब रैम लगाने से पहले सीपीयू को प्रॉपर चेक करना चाहिए और क्या क्या इसमें चेक करना पड़ता है ये चीज़ बताऊँगा। तो मैं छोटा स्क्रीन कर लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए छोटा स्क्रीन कर लिया हूँ और यहाँ पे ये बोर्ड को थोड़ा सा चेक करेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन होना चाहिए। ऐसे तो बोर्ड थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा हीट है, गर्म है, ठीक है। ये मेरा देसी जुगाड़ वाला फ़ैन है, मैं खुद बनाया हूँ, ये शायद 150 या फिर 250 रुपया में बन चुका है, जो कि ये 5 वोल्ट पर चलता है और ये फैन जो है 12 वोल्ट का फैन है, देख सकते हैं, देखिए ये 12 वोल्ट का फैन है और ये एक चार्जर पे बनाया हूँ जो कि 5 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट करता है और काफ़ी अच्छा इसका एयर फ्लो है। तो देखिए बहुत सारा टूल मैं हैंड मेड बनाया हूँ, जो कि खुद बनाया हूँ, खुद बना के यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे सीपीयू इंस्टॉल कर चुका हूँ और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, देख सकते हैं ओनली सीपीयू और रैम के ऊपर मैं काम किया हूँ। अभी ये सीपीयू जिंदा है या फिर मर गया, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये सीपीयू प्रॉपर है, ऑन है, चालू कंडीशन में है या फिर डेड हो गया, क्योंकि हम इसको 350 टेम्परेचर में खोले थे, आप याद कीजिए खोलने का टाइम में टेम्परेचर आपको दिखाया था, 350 टेम्परेचर रखे थे और एयर फ्लो 80 पे रखे थे, ठीक है। और SMD मशीन कौन सा यूज कर रहे थे, क्विक 2008 डी प्लस। तो चलिए ये CPU जिंदा है या फिर मर गया इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कंफर्म करने के लिए हमको क्या चेक करने की ज़रूरत पड़ेगा, इसमें ये जो DC एम्पियर मीटर है यहाँ से हमको कंफर्म पता चलेगा कि ये CPU जिंदा है या फिर डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड को देखिए, यहाँ पे कुछ भी फ्लेक्स को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, ओनली चार्जिंग फ्लेक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि
बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है लगा है, और यहाँ पे चार्जिंग सप्लाई इनपुट करेंगे। देखिए चार्जिंग सप्लाई इनपुट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 188 पे स्टॉक है, 191 पे आ गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब सीपीयू आपका 100% वर्किंग रहेगा, ये 180 से 190 के बीच में स्टॉक होगा ओनली चार्जिंग एम्पियर मीटर पे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चार्जिंग एम्पियर मीटर है, देख सकते हैं अभी जीरो हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 189 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पे देखिए एम्पियर मीटर दे दिया हूँ। और अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो मैं ग्राफ को भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। देखिए मैं इसको फिर से स्टॉप कर लेता हूँ, फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये 190 के आसपास है, इसको पिन को रिमूव किया मतलब चार्जिंग को आउट किया, फिर से इन कर रहा हूँ। देखिए 190 यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ मीटर पे 190 192, इस तरह कुछ एम्पियर कंजप्शन हो रहा है जो कि ओनली सीपीयू पे, इसमें कोई भी रैम नहीं लगा है ना ही इसमें और कुछ बैटरी कनेक्शन वगैरह दिया हूँ, ओनली सीपीयू लगा है। और ये सीपीयू लगने के बाद 190 195 194, मतलब 180 से 200 के अंदर स्टॉक होना चाहिए। और इसी कंडीशन में हम अगर पीसी में कनेक्ट करते हैं तो क्या दिखाएगा, देखिए मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये कंडीशन में हमको यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट बनना चाहिए, अगर यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज पोर्ट बन रहा है तो हमारा सीपीयू प्रॉपरली लग चुका है। ऐसे तो मैं एम्पियर से ही पता चल गया था कि ये 100% सीपीयू जिंदा ही है, क्योंकि जो मैं टेम्परेचर और एयर फ्लो बताया हूँ एसएमडी मशीन का, वो बिल्कुल 100% सेफ टेम्परेचर सेफ एयर फ्लो है। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल पोर्ट में यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स में क्लिक करके रखा हूँ, और यहाँ पे मैं यूएसबी को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए यूएसबी को यहाँ पे इंसर्ट किया, देखिए थोड़ा देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अननोन यूएसबी डिवाइस, यानी कि यहाँ पे डिवाइस अननोन डिवाइस यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट बन रहा है। देखिए यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे नीचे आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं, आपके डेस्कटॉप में डायरेक्टली ये पॉपअप आता है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये वाला, ठीक है। ये बार बार ऐसे ही दिखाते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा, उसी तरह चलते रहता है, क्योंकि अभी इसमें रैम नहीं लगा है। जब तक इसका रैम कनेक्टेड नहीं होगा तब तक ये पोर्ट एरर दिखाते ही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से क्लियर हो चुके हैं कि ये सीपीयू भी जिंदा है और सीपीयू प्रॉपरली 100% सक्सेसफुली लगा भी है, जो कि मदरबोर्ड में देख सकते हैं। और एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे फैंस देख सकते हैं सीपीयू एक ही बार में डाउन हो गया है, मतलब एक ही बार में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अभी क्या करेंगे, फिर से मैं पीसीबी होल्डर में लगाता हूँ इसको और रैम को इसमें इंस्टॉल करेंगे, रैम को इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैं छोटा माइक्रोस्कोप को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे रैम को अभी इंस्टॉल करेंगे। तो रैम को पहले से निकाल के रखा हूँ, जो कि यहाँ से निकाला था, इसको क्लीन करते हैं। क्लीन किस तरह करेंगे, थोड़ा सा मैं फ्लक्स यूज करूँगा इसमें, देखिए चारों साइड में थोड़ा सा फ्लक्स यूज करेंगे। और उसके बाद वही चीज, मतलब वही डिसोल्डरिंग वायर से ही क्लीन करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैं डिसोल्डरिंग विक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसका जो पैड बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा दम रहता है, मतलब दम बोलने से इसमें ताकत नहीं होता। एक बार अगर जो डिसोल्डरिंग विक्स है इसको चला देंगे तो दोबारा करने से फिर इसका जीआर ही निकल जाता है, इसका वाइट
देखिए ये जो पैड बना हुआ है पूरा, इसका जीआर निकल जाएगा, फिर हमको यूवी से कवर करना पड़ेगा, या फिर ये जो रैम है ये रैम को भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से जितना हो सके आयरन से क्लीन कर लें, और कोशिश करें इसमें ज़्यादा ताकत ना लगाएं। ठीक है, जितना हल्के हाथों से इसको क्लीन करेंगे उतना ही हमारा काम अच्छा होगा। तो देखिए, और इसको चारों साइड से इस तरह आपको आयरन से क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिसेंट का वीडियो है, 16 तारीख का मोबाइल मेरे को रिसीव हुआ था, और ये लगभग 22 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी इसको पब्लिश भी कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है ना, काम भी आप तो ये वीडियो में एंड तक बने हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो मोबाइल बनाने में कितना टाइम लग रहा है, आप सोच लीजिए। यहाँ से ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा लंबा होगा और काम करूँगा तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जितना टाइम काम करने में लग रहा है उतना टाइम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। किसी भी टेक्नीशियन से आप क्वेरीज कर लीजिए, अगर आप टेक्नीशियन हैं आपको पता चल गया होगा, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको रैम को क्लीन कर लेना है। आयरन से मैं क्लीन किया, उसके बाद में ये जो जाली वाला ब्रश है देख सकते हैं, वायर वाला ब्रश, इसको एक बार चलाया, ज़्यादा इसमें घिसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसका जो ग्राउंड लगा है, ग्राउंड बना है, ये निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं थिनर से, और अभी इसको डायरेक्टली रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं और भी कुछ लाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हेडिंग में बताया था, मेरे को एक DSO मशीन चाहिए और एक थर्मल कैमरा, तो वो भी बहुत जल्द ला के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और मेरा वीडियो आएगा हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ये मंथ से मेरा मेडिकल का इतना प्रॉब्लम था, मैं काम ठीक से कर नहीं पा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से, मतलब ये सितंबर हो गया, दिसंबर से, सॉरी अक्टूबर से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर, मतलब हर हफ्ते में, हर वीक में 3 वीडियो डालने की, जो भी होगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको सही वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि अब बीच में कभी भी ना फंसे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो रैम को रिवॉल्व करेंगे, रैम को रिवॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका सिलेंडर, सॉरी इसका जो रैम में जो जितना भी बॉल्स बना हुआ है इसको एक बार PPD से कवर करेंगे और रैम को रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन को देखा हूँ मैं, ये रैम को भी बार बार रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया, वो भी बताऊँगा, एक बार रिवॉल्व कर लेता हूँ, सॉरी बात करते करते वो चीज़ को भूल गया, ध्यान ही नहीं आया, तो इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, लेकिन बता दूंगा अभी रैम को रिवॉल्व करने के बाद। तो रैम को रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर 280 रखे हैं और एयर फ्लो को 0 और 1 के बीच में, 1 और 0 के बीच में ही एयर फ्लो को रखें, हमेशा कोई भी IC को रिवॉल्व कर रहे हैं तो बस उतना ही एयर फ्लो ज़्यादा है, ज़्यादा एयर फ्लो करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए रैम को इसमें ज़्यादा 2 बार 3 बार रिवॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में रैम रिवॉल्व हो जाता है, ऐसे तो CPU रिवॉल्व एक ही बार में हो गया तो रैम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, बार बार इसको रिवॉल्व करेंगे, बार बार इसको क्लीन करेंगे, बार बार इसको साइज करेंगे, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, जो भी होगा एक ही बार में होना चाहिए, मतलब एक बार ट्राई करेंगे सक्सेस होना चाहिए, उसी के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना आप बोर्ड के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, उतना आपका हैंड स्किल बढ़ेगा और आप काम करने का
जो तरीका है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो चीज़ जो मैं बताना भूल गया, ये देखिए रैम को जब भी हम निकालते हैं, मैं तो रिवॉल्व कर दिया हूँ अभी। देखिए रिवॉल्व करने से पहले एक बार इसका जीआर चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं रेड वाला प्रॉप को ग्राउंड में रख रहा हूँ, ये ग्राउंड है और ये 1.1 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे चेक कीजिए कितना आ रहा है, 530, यानी कि ये 52 ही मानेंगे इसको, तीसरा डिजिट को नहीं मानेंगे, ठीक है। ये रिवर्स वाइज में देख सकते हैं 530 मतलब 52 आ रहा है, 52 ओम्स यहाँ पे दिखा रहा है। और फॉरवर्ड वाइज में देख सकते हैं 111 आ रहा है, यानी कि 110 111 ओम्स के आसपास ही बता रहा है। तो ये इसका मतलब ये रैम जो है ये 100% ओके है। और देखिए यहाँ पे एक सैमसंग का रैम लगा है, अगर यहाँ पे मैं माइक्रोन की रैम को दिखाऊं, कंपेयर करूं दोनों को, तो दोनों का जीआर अलग अलग आएगा, क्योंकि माइक्रोन का रैम बहुत ही लो जीआर आता है और सैमसंग का थोड़ा सा हाई आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी मेरे पास माइक्रोन का रैम नहीं है, नहीं तो आपको वो भी दोनों को क्लियर कर देता जीआर लेके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में 100 के आसपास जा रहा है, मतलब 100 से ऊपर जा रहा है, और एक साइड में 50 के अंदर ही है, ठीक है। 50-60 ऐसे ही चलता है, वो मीटर के ऊपर डिपेंड है और कितना हीट हो रहा है बोर्ड, मतलब ये जो इंटरफेस है कितना हीटिंग है उसी के ऊपर डिपेंड है कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो आप चेक कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पे 1.1 वोल्ट लाइन है, यहाँ पे ग्राउंड है, देख सकते हैं ये 0 आया, यहाँ पे 0.8 वोल्ट लाइन है, देख सकते हैं 0.8 वोल्ट पे भी 49 ओम्स आ रहा है यहाँ पे, ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी सारा देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड भी है, मैं इसका भी पूरा पीडीएफ बना के रखा हूँ, आप कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक को डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरा रैम का जीआर वैल्यू क्या है, क्या होना चाहिए, और सीपीयू ऑन बोर्ड सीपीयू, जैसे कि ये ऑन बोर्ड सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू को बैठा दिया हूँ, और यहाँ पे ये जो सिलेंडर के अंदर कहाँ कहाँ कितना कितना जीआर होना चाहिए, अभी इस कंडीशन में कहाँ पे कितना जीआर मिलना चाहिए तो हम सही मानेंगे, कौन सा पिन कनेक्टेड है, कौन सा पिन एनसी है, कौन सा पिन ग्राउंड है, सब कुछ डिटेल में बताया हूँ। तो आप कमेंट्स में लिखेंगे और मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं 100% डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, जो कि आपको और भी अच्छे से पता चल सके। तो रैम को क्लीन कर चुके हैं, सॉरी रैम को रिवॉल्व कर चुके हैं, देख सकते हैं प्रॉपरली रिवॉल्व हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं कोई भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है और दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सिलेंडर को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ पहले, देखिए हो गया। तो थोड़ा सा ये जो सीपीयू के ऊपर सिलेंडर बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं थिनर से इसको क्लीन कर रहा हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा ग्लू या फिर डस्ट वगैरह छूटा हुआ होगा वो भी अच्छे से प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर रैम को अभी इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं, ताकि हमको कोई भी परेशानी झेलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो सीपीयू तो हमारा परफेक्टली लग गया है बोर्ड पे, अभी रैम को इंस्टॉल करेंगे। रैम को इंस्टॉल करने से पहले सिलेंडर को अच्छे से क्लीन करना है, सिलेंडर को और एक बार फाइनल वेरीफाई करना है, क्योंकि काफ़ी रेसे वगैरह छूट जाता है और काफ़ी डस्ट भी यहाँ पे छूट जाता है, तो दिखता नहीं, एक एक बॉल को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं जैसे बोल रहा था यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा ग्लू का दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ा सा हल्का सा ग्लू दिखाई दे रहा है मेरे को, ऐसा लगा, लेकिन देखिए इस टाइप का अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, जंप हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई करना है आपको एक एक बॉल को, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, ऐसे इसी तरह आपको अगर एक बार में सीपीयू डबल डेकर में सक्सेस रेशियो चाहते हैं,
सक्सेस मिलना चाहते हैं तो आपको एक एक बॉल को क्लीन करना पड़ेगा, एक मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान दे के काम करेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई भी डबल डेकर हो, सिंगल डेकर हो, सिंगल चिप हो, मतलब नहीं है, एक ही बार में सक्सेस रिपोर्ट मिल जाएगा आपको। मतलब एक बार में सक्सेस रिपोर्ट मिल जाता है तो आपको कितना एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ मैं कर दिखाया, हाँ मैं हो गया, मतलब खुद को एक और एक लेवल में पहुंच जाते हैं खुद ही खुद। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ठीक से बोलने का आता नहीं, बोल नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जितना भी बोलने की कोशिश करता हूँ, उड़िया भी मिक्स हो जाता है कभी कभार, हिंदी भी अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, तो उसी के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बाकी काम को देख के मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं जो भी सपोर्ट करना है, लेकिन मैं आपको एक भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरा जो टेक्नीशियन है, जो टेक्नीशियन डबल डेकर में फंस रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए मेरे ये वीडियो से। और मैं यही वीडियो से आपको मैं एक और भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप अगर एक बार देखेंगे तो दोबारा भी ज़िंदगी में, मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़िंदगी में दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे को, जितना दूर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जितना दूर आइडिया है और आपको पता चल गया होगा कि कैसा मैं काम कर रहा हूँ, कैसा हैंड स्किल है, देख के ही आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, यहाँ पे सिलेंडर को क्लीन करके थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे यूज किया और ब्रश से, देखिए ये भी एक पेंटिंग ब्रश है, ये भी 10-12 रुपये का है, काफ़ी आराम से मिल जाता है हार्डवेयर स्टोर में, और ये प्रॉपरली मिल जाता है, जो कि किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर शॉप से उठा सकते हैं, ये सभी जगह पे अवेलेबल है। और इसी ब्रश से मैं सिलेंडर को थोड़ा सा पेस्ट से फूल कर दिया हूँ, और इसी ब्रश को थोड़ा सा, अभी देखिए ये कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस इसको इस तरह थोड़ा सा, देखिए हमारा फ्लक्स भी लग गया। और दूसरी बात, जो सिलेंडर मतलब जो रैम रिवॉल्व किए थे, ये इसके ऊपर भी फ्लक्स लग गया, देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से लग गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ और एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं, कहीं रेसे वगैरह छूटा तो नहीं है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा इसमें भी डाउट है, देखिए एक चीज़, ये थोड़ा सा मेरे को डाउन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेंगे, जस्ट इतना ही हो जाएगा, थोड़ा सा कट करके इसी के अंदर डाल देंगे, हो गया। अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रैम को ही इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखते हैं ग्राफिक्स आ रहा है या फिर नहीं। मेरे को नहीं लगता कि ग्राफिक्स आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका, एक मिनट, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत जैसा छूटा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से देख के ही इंस्टॉल करना है। देखिए और एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सीपीयू जो हमारा लगा था, एक चीज़, एक मिनट, सीपीयू का नोच पॉइंट ये साइड में है, और ये जो रैम का नोच पॉइंट भी देख सकते हैं नीचे तरफ ही है। जैसे कि मैं सीपीयू लगाने के टाइम में बोल रहा था, सैमसंग का ए सीरीज, एम सीरीज में काफ़ी सारा नोच पॉइंट नीचे साइड में ही रहता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गए आप, और सीपीयू को लगाने से पहले रैम का जीआरबी ले लेना है, और सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद एक बार एम्पियर मीटर से चेक कर लेना है, या फिर यूएसबी से लगा के यूएसबी पे ही चेक कर लेना है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। रैम लगाने से पहले रैम की जीआर ले लेना है, जहाँ जहाँ मैं बताया हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको इस तरह लगा सकते हैं। तो देखिए अभी रैम लगाने के लिए वही टेम्परेचर रखा हूँ 340, और टेम्परेचर 340 रखा हूँ, और एयर को 80 पे रखा हूँ, और इस तरह चारों साइड में
हमको एयर फ्लो करते जाना है जब तक इसमें इजीली बैठ ना जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक देखिए ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, मैं शेक भी नहीं करूँगा, बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। इस तरह आपको दिखाते ही रहना है, चारों साइड में ब्लोअर को चलाते जाना है जब तक ये प्रॉपरली बैठ ना जाए। और पूरा प्रॉपरली बैठ गया बोल के हमको कैसे पता चलेगा, चारों साइड से इसका फ्लक्स निकलना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं ये साइड से निकल रहा है, ये साइड से निकल रहा है, ये साइड से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि इसमें जो सीपीयू और रैम प्रॉपरली लग चुका है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, आपके हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड है, अगर नहीं है तो अब ना भी करने से चलेगा, ठीक है। हो गया, हो गया। अभी थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के लिए वही फैन को मैं फिर से यूज करूंगा, ठीक है। अभी कूल डाउन करते हैं और उसके बाद हम रैम का थोड़ा सा जियर लेंगे। कहाँ पे जियर लेंगे, जहाँ पे 1.1 वोल्ट मिलता है। कहाँ पे मिलता है देखिए, यहाँ पे हमको 1.1 वोल्ट मिलना चाहिए जब मोबाइल ऑन कंडीशन में आ जाएगा या फिर सीपीयू इंस्टॉल होने के बाद वहाँ पे वोल्टेज मिल जाता है। मैं चेक करके नहीं बताया और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है वो, ठीक है। अभी डायोड मोड में रख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मीटर पे आपके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर में। यहाँ पे जीआर लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे कितना जीआर आ रहा है देख सकते हैं, 160। ये देख सकते हैं रिवर्स वाइज में ले रहा हूँ मैं, लाल प्रॉप यानी कि रेड प्रॉप को ग्राउंड किया हूँ और ब्लैक वाला जो हम जीआर ले रहे हैं ब्लैक वाले से 189 आ रहा है। और फॉरवर्ड वाइज में देख सकते हैं कितना आ रहा है, 257 258, इस टाइप का कुछ जीआर आ रहा है, जो कि विदाउट बोर्ड पे ये 50 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, ओनली 297 यानी कि 29 आ रहा है। और इधर से लेने से रिवर्स वाइज में 24 आ रहा है, देख सकते हैं 248 और 356, मतलब एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम, इस तरह जीआर आना चाहिए। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि ये हमारा 1.1 लाइन शॉर्ट नहीं हुआ है। और ये साइड में जितना भी कंपोनेंट्स लगा है, क्योंकि ये साइड में 1.1 लाइन है, 1.8 लाइन है, 0.7 लाइन है, सब कुछ एक बार एक एक बार चेक कर लेते हैं, हमको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 264, सॉरी ये ग्राउंड है लग रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है ये ग्राउंड है 300 आ रहा है, उसके बाद ये ग्राउंड है यहाँ पे 300 के आसपास है, ये ग्राउंड है 158 326 328, मतलब 300 के आसपास है, यहाँ पे 655। बाकी यहाँ पे चेक करने से भी चलता है, नहीं करने से भी चलता है। मेनली ये जो 5-6 कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि जो सीपीयू लगा है प्रॉपरली लग चुका है, रैम भी प्रॉपरली लग चुका है, इसमें कोई भी और काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ हमको करने की ज़रूरत पड़ेगा, ये जो रैम ये जो लाइट ड्राइवर आईसी है, इसको रिवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगा या फिर नहीं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा लाइट ड्राइवर आईसी प्रॉपर लगा है या फिर वो भी ड्राई हो गया है। तो इसके लिए मैं डिस्प्ले को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो छोटा स्क्रीन में कर लेता हूँ माइक्रोस्कोप को और मेन स्क्रीन में आपको लेके चलता हूँ। देखिए तो बोर्ड को पूरा कूल डाउन कर चुके हैं और यहाँ पे एक बार डिस्प्ले को कनेक्ट करके देखते हैं। डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद इसमें ग्राफिक्स बन रहा है और एम्पेयर कंजप्शन कितना हो रहा है, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि मोबाइल प्रॉपरली ऑन हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एम्पेयर मीटर से फिर से कनेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए विदाउट रैम पे कितना ले रहा था, 200 के आसपास जा रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी कितना जा रहा है, विदाउट रैम पे 190 के आसपास स्टॉक था, देख सकते हैं। और अभी एम्पेयर देख सकते हैं
100 से लेके 300 350 तक जाके ये फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। ग्राफ से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एम्पियर मीटर जो कि ये वाला देख सकते हैं, ये जो है एम्पियर कंजप्शन जो हो रहा है ये फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब 100 से लेके 300 तक वेरिएशन हो रहा है, जो कि ये रिस्टार्टिंग कंडीशन में है। अभी वाइब्रेट हो रहा है, मेरे हाथ में पता चल रहा है, फील हो रहा है वाइब्रेट हो रहा है। अभी इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं। देखिए डिस्प्ले कनेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको मैं पहले से भी बता चुका हूँ डिस्प्ले ड्राइवर आईसी 100% ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये जो सीपीयू का नीचे जितना भी डिस्प्ले ड्राइवर आईसी को पेस्टिंग किया है 100% वो ड्राई होगा ही होगा, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ। और क्यों ड्राई हो रहा है ये तो आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें जो देखिए एक चीज, एक मिनट सॉरी, बोर्ड में फिक्स कर लिया हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा स्क्रीन में सॉरी नहीं दिखेगा आपको अच्छे से, देखिए कैसा किया है कंपनी ने, इसको भी पेस्टिंग कर दिया है। देखिए तो इसको व्हाइट पेस्ट से कवर कर दिया है, तो ये भी ड्राई हो गया है। हालांकि सीपीयू ड्राई हो रहा है तो ये तो छोटा सा आईसी है, इसको तो हम सीपीयू ओपन करने के टाइम में ये हीटिंग से ही ड्राई हुआ है। ऐसे तो मोबाइल को देखेंगे तो मोबाइल तो चलते चलते ही ड्राई हो जा रहा है, तो बड़ा बात नहीं है ये, जब हम काम कर रहे हैं तो ये ड्राई होने का इसमें कोई भी ऐसा दुराए बात नहीं है, 100% होगा। जब इसमें पेस्ट लगा है तो 100% सीपीयू ड्राई होगा ही होगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये डिस्प्ले ड्राइवर आईसी या फिर ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी, इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ग्लू को कट कर लिया था पहले से, मेरे को पता था कि इसको भी रिमूव करके काम करना पड़ेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो उसीलिए मैं पहले से ग्लू कट कर लिया था। तो अभी इसको रिमूव करेंगे, वही चीज़ मैं पहले से बोल चुका था, फिर भी एक बार आपको आपके सामने ट्राई करके दिखाने की कोशिश किया। और बहुत लोग सोचते हैं कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद डिस्प्ले नहीं आया तो सीपीयू से लाइन ख़राब है या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर डिस्प्ले ख़त्म हो गया, इस टाइप का सोच में आ जाता है, मन में सोच आ जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कभी भी, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। देखिए ये मैं पहले उसी लिए बता दिया कि आप कन्फ्यूज में ना रहें, ठीक है। जब भी आप सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको फोकस करके अच्छे से निकाल लेना है, और रिवॉल्व करने से पहले मतलब सीपीयू रिवॉल्व करने से पहले इसको रिवॉल्व करके बैठा देना है, ठीक है। सीपीयू, अब सीपीयू को रिवॉल्व करके लगा लिए, ओके हो गया, सीपीयू बैठ गया प्रॉपरली, तो उसके बाद इसको रिवॉल्व करके बैठा देना है चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आपको जस्ट दिखाने के लिए इसको रखा था मैं, इस तरह प्रॉब्लम इसमें होता है बोल के, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है, टाइम से मत जाइए, क्योंकि काम जो कर रहे हैं उसी टाइम तो लगेगा ही, और जो मैं दिखा रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार देखेंगे तो 100% आप कभी भी किसी डबल डेकर में, मैं गारंटी दे देता हूँ, कभी भी किसी डबल डेकर में मेरे हिसाब से नहीं फंसना चाहिए। और इसमें क्या छोड़ दिया हूँ क्या और बताना चाहिए मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे से बताने की, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूं, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, मेरे से जितना भी हो सका मैं बताने की कोशिश किया, और कुछ भी छूट गया होगा तो मेरे को माफ़ करें, और आप कमेंट में मेरे को बताएं कि और कौन सा पार्ट इसमें मिसिंग है, ठीक है। डिस्प्ले हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी हो गया, रैम हो गया, एम्पियर कंजप्शन हो गया, बाकी और कुछ छूटा है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा और एक वीडियो बना के उसमें भी डालने की। तो चलिए यहाँ से हमारा जो ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी लगा था इसको भी रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। बात करते करते काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। पहले भी बना चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए वीडियो में काफ़ी लंबा होता है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।
आप लोग के पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके मेरे को भेज सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेरीज है मेरे को व्हाट्सएप में क्वेरीज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो भी होगा रेजोल्यूशन देने की, ठीक है। और जितना भी मेरे पास कुरियर आ रहा है सबका वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन डाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए डिले हो रहा है। मैं आज की वीडियो 8 दिन 10 दिन बाद अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, सब में कितना टाइम वेस्ट होता है आपको पता ही होगा। उसके बाद ही सब कुछ, देखिए मेहनत कितना होता है आपको पता चल गया होगा यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ काम करते हैं, रिजल्ट सक्सेस नहीं हुआ तो फिर दोबारा काम करना पड़ता है, और मेरे पास रेगुलर 10 से 15 कुरियर रेगुलर आ रहा है, तो कितना टाइम, कितना मुश्किल मतलब सिचुएशन है आप समझ लीजिए। और वीडियो इसमें कैसे निकाल पाऊँगा, वीडियो को कैसे अपलोड कर पाऊँगा, आप खुद ही बताइए, ठीक है। बाकी और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि 1.5 घंटा 2 घंटा बड़र 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 कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नॉलेजेबल वीडियो नहीं है, तो आप डिसलाइक कीजिए, और वीडियो लाइक इस कंडीशन में कीजिए कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए, बात करते करते लाइट ड्राइवर आईसी को भी निकाल के इसको क्लीन कर चुका हूँ, और अभी इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने से पहले मैं स्टेंसिल को, जैसे बताया था, स्टेंसिल को एक बार क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको रिवॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको बॉल को मिला लेता हूँ पहले, चलिए मिल गया, ओके हो गया। देखिए रिबॉल हो गया, रिबॉल हो गया, ठीक। अभी इसको रिबॉल करने के बाद ही फाइनल पता चलेगा कि इसमें डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले लाइन ओके है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। अभी आपको क्या लगता है, डिस्प्ले आएगा या फिर नहीं? कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही चीज़ जो आपसे मेरा उम्मीद है। बस चैनल को लाइक की चैनल सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मेरा पूरा सेटअप बनाया हूँ, जो कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा सेटअप से ही। और आगे मैं कोशिश करूँगा, अगर लाइट ठीक से रुकेगा, इधर ठीक से रहेगा काम करने का टाइम में, तो लाइव भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लाइव जो भी काम होगा लाइव रिपेयर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू, सॉरी जो लाइट ड्राइवर आईसी है इसको क्लीन कर चुका हूँ। देखिए बार बार वही सीपीयू पे ही मतलब हमारा बातचीत चला जाता है, क्योंकि रेगुलर सीपीयू काम कर रहे हैं, रेगुलर काम हो रहा है, तो सीपीयू 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 बोल के सीपीयू पे ही, कोई भी आईसी का नाम लेने से पहले सीपीयू का नाम सबसे पहले आता है, रैम का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि रेगुलर हमारा काम चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए देखिए देख सकते हैं इसको रिवॉल्व कर चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स डाल दिया हूँ। अभी इसका थोड़ा सा इसका नोच कट किधर रखना है, देखिए ये जो नोच कट है ये आईसी के ऊपर साइड में हमेशा रहेगा इस तरह, ठीक है। इसका नोच कट, इसका नोच कट एक बराबर होना चाहिए, जो कि सैमसंग F41 M21 जितना भी इस टाइप का मदरबोर्ड है, M30S M21 M31 M30 में भी सेम बोर्ड है, सेम सीपीयू है, सेम रैम है, और जितना भी मॉडल में सेम टाइप का प्रॉब्लम है वही काम करना पड़ेगा, जैसे कि ये वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए इसको पहले फिक्स कर लेते हैं ये आईसी को, उसके बाद देखते हैं जो लाइट नहीं आ रहा था आ रहा है कि नहीं, कन्फर्म पता चल जाएगा। चलिए एक बार ये लाइट आईसी को बैठा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हो गया,
ये कैप्स को भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स डालने की, यहाँ पे थोड़ा सा आयरन सी इसको डालना पड़ेगा। बस हो गया, ठीक है। ये कैप्स को मैं अच्छे से बैठा लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे काम हो रहा है, जो कि देख सकते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 9 बजे से काम कर रहा हूँ, 11:30 के आसपास हो चुका है, लगभग 2.5 घंटा के आसपास ये वीडियो बन चुका है। और 2.5 घंटा में जो कि अब इंस्टीट्यूट में सीखेंगे, आप घर बैठे सीख सकते हैं, जो कि आपको इजीली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं सीपीयू रिवॉल्व हो गया, रैम को इंस्टॉल कर लिया, अभी इसका लाइट ड्राइवर आईसी को इंस्टॉल कर लिया, और इसमें कुछ भी नहीं बचा। अभी इसको चेक करने की, मतलब चेक करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार, फाइनल क्लीन है, और उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे ये मोबाइल 100% रिकवर हुआ या फिर नहीं। पहले क्या प्रॉब्लम था देखिए, आपको प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ फिर से, आपके स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था, मैं छोटा विंडो कर लेता हूँ और इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। पहले जो इसमें प्रॉब्लम था, F40 सैमसंग गैलेक्सी F41 लीक की, ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा था और उससे आगे नहीं बढ़ रहा था, और उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद इसमें ग्राफिक्स नहीं बन रहा था। एम्पियर कंजप्शन बिल्कुल सही था, लेकिन ग्राफिक्स नहीं बन पा रहा था। अभी देखिए इसमें ग्राफिक्स आया या फिर नहीं, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में 100% इसका ग्राफिक्स भी आ गया है, और मोबाइल चालू कंडीशन में है, ग्राफिक्स आ गया मतलब ये बार बार रिस्टार्ट, अभी सॉरी ग्राफिक्स आ गया मतलब ये 100% सीपीयू और रैम प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं जो रिस्टार्टिंग इशू था ये है या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले सीपीयू रिवॉल्व करने से पहले ये रिस्टार्ट हो रहा था, और एम्पियर कंजप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 1.7 उस टाइम पे भी ले रहा था, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, 8.9 वोल्ट जो ले रहा है अभी, ये पहले नहीं ले रहा था। यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपको ग्राफ को थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये जो 8.9 वोल्ट ले रहा है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है अभी, पहले नहीं ले रहा था। लेकिन पहले ये जो 1.1 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा था पहले, क्योंकि उस टाइम में सीपीयू ड्राई था, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज दिखाने लगा है, इसका मतलब ये 100% ये सेट सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है, जो कि अभी इसको ऑन करने के बाद ही पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। देखते हैं ऑन करके, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि 2.5 घंटा तक बातचीत। तो देख सकते हैं ये दूसरा लोगो पे आ गया है, यानी कि फर्स्ट लोगो में पहले रिस्टार्ट हो रहा था, अभी ये सेकंड लोगो पे आ गया है, सैमसंग में लिखा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर मीटर पे 8.9 वोल्ट अभी तक ले रहा है, यानी कि फास्ट चार्जिंग अभी भी चल रहा है अंदर, ठीक है। और पहले रिस्टार्ट हो रहा था इसी कंडीशन में, अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपरली ऑन हो चुका है, और इसमें पासवर्ड लगा है, ठीक है। तो पासवर्ड जो भी है मतलब नहीं है, अभी अब ऑन करके इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, बाद में इसका पासवर्ड डाल के इसको वाईफाई कैमरा साउंड नेटवर्क सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद ही कस्टमर को डिस्पैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, मतलब ग्लू कटिंग के टाइम में जो ग्लू कटिंग करने के लिए ब्लेड जो दिखा रहा था आपको, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ये ब्लेड कौन सा है, और ये तो नॉर्मल ब्लेड है, जो कि एक मिनट ब्लेड कहाँ गया, ब्लेड 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 एक मिनट देखिए, ये है ब्लेड, ये ब्लेड से मैं हमेशा कोई भी पेस्टेड आईसी पे काम करता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं।
यही ब्लेड से थोड़ा सा मैं ये जो सैंड पेपर है देख सकते हैं, इसके साथ जो ब्लेड से आया था ये सैंड पेपर है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको घिस घिस के थोड़ा सा इसका थिकनेस को पतला कर दिया हूँ, जो कि देख सकते हैं। देखिए इस तरह थोड़ा सा मैं हल्का सा पतला कर दिया हूँ, पतली कर दिया हूँ, देख सकते हैं। जो भी बोल सकते हैं, मेरा हिंदी लैंग्वेज उतना खास नहीं है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसी तरह ये ब्लेड से कोई भी पेस्टेड आईसी पे काम करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली काम होगा, कोई भी स्क्रैच होने का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि ये हमेशा रेगुलर काम में चलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहे तो मेरे को भेज सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपके स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उसी नंबर पे मेरे को कॉल करके और व्हाट्सएप में मेरे पास क्वेरीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो डबल डेकर का वीडियो बनाया हूँ ये यूट्यूब में इस टाइप का डिटेल्स में वीडियो आप ढूंढ लीजिए, ये वीडियो अगर एक बार देखेंगे तो आपको कोई भी डबल डेकर आईसी का डबल डेकर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डबल डेकर आप इजीली बिल्कुल परफेक्टली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप मैं आपके लिए इतना मेहनत किया, आप मेरे लिए एक मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के नोटिफिकेशन ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाए और आप अच्छे से सबसे पहले देख सकें। तो बस इतना ही बोलने की कोशिश करता हूँ, बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।